हेलो गाइस, बस तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा फैशन टिप्स के बारे में, जो कि ये होगा पार्ट टू, जिसमें और भी अच्छे से बताऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस फैशन टिप में सबसे ज्यादा कैजुअल आता है शॉर्ट्स पैंट, तो जितना ज्यादा हो सके शॉर्ट्स पैंट यूज करो, ठीक है। जैसे कि मार्केट हो गया, मॉल हो गया, क्राउड इलाका हो गया, मतलब तुम्हारे नजदीकी। शॉर्ट्स पैंट पहनने से ये होता है कि तुम कहीं भी जाओगे तो खुद को खुला खुला महसूस करोगे और लोग समझेंगे कि ये तो बंदा आसपास का ही है, ठीक। तो शॉर्ट्स पैंट ज्यादा यूज करो, और शॉर्ट्स पैंट यूज करने के समय टी शर्ट के साथ यूज करो और स्पोर्ट्स शूज के साथ अच्छे दिखोगे। तो आपके स्क्रीन पे अभी आएगा 5 कलर कॉम्बिनेशन, और दूसरा बात आता है सेव योर बियर्ड, यानी कि अगर आपके दाढ़ी उग रहे हैं तो अपने दाढ़ी को रेगुलरली सेव करो। और सनस्क्रीन तो मैंने पार्ट वन में ही बता दिए थे, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, एक्ने पिंपल्स ये सबसे दूर रहोगे। और जब भी चेहरा धो, ठंडे पानी से धोया करो, क्योंकि जब भी तुम गर्म पानी से चेहरा धोओगे तुम्हारा स्किन जला देगा और रोए रोए जैसा निकल जाएगा, यानी कि चमड़ी निकलेगा स्किन से। तो ठंडे पानी से चेहरा धोने का कोशिश करो। और ये सब होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोगों के बीच हाईलाइट होए। तो सबसे पहले है अनकॉमन थिंग। अनकॉमन थिंग तो कुछ ऐसा करो कि लोगों का नजर तुझ पे पड़े, ऐसा कुछ नहीं कि नंगा दौड़ लिए भीड़ में, तो ऐसे तो पागल ही कहेंगे, ऐसा नहीं। सबसे अलग दिखने का कोशिश करो, जैसे मान लो कॉलेज में सब कार से जाते हो, तुम साइकिल से जाने का कोशिश करो, सबका नजर तुम पे रहेगा, सब तुम्हें नोटिस करेंगे। और दूसरा, ये करने से कोई महान नहीं बनता है, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाना पड़ेगा। अकेला रहने का कोशिश करो, जितना अकेला रहोगे, जैसे कि मान लीजिए कहीं तुम पार्टी या ओकेशन में गए हो, जहाँ पे भीड़ है वहाँ पे मत रहो, क्योंकि भीड़ में उतना आदमी किसी को नोटिस नहीं करता है। और तुम्हें याद रखेंगे, क्योंकि अगर कभी भी बात हुई तो वो तुम्हें याद रखेंगे और अपने घर पे जाके कहेंगे, पता है एक लड़का था जो हमेशा अकेला रहता था, या फिर कुछ ऐसे 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 करके बात करेंगे। और कुछ ऐसा हरकत करो, जैसे कि मान लो किसी को हेल्प की जरूरत है, वो तुम्हें ना बोले तब पर भी तुम्हें हेल्प करना है। जैसे मान लो कोई आदमी रोड पार करना चाहता है, रोड पार नहीं कर पा रहा है, तो तुम्हें उन्हें बिना बताए उनकी हेल्प करना है, ताकि तुम उनके दिमाग में बस सीधा हो गया और इसी प्रकार हाईलाइट हो जाओ। ये कुछ ट्रिक्स थे और ऐसे ट्रिक मैं बताने वाला हूँ जिससे तुम हाईलाइट होगे। ज्यादा स्पीड में मत बोलो और अपनी भाषा को सुधारो, और लाउडली मत बोला करो, आराम से बोलो और अपनी भाषा को सुधारने का कोशिश करो, वर्ड को क्लियर बोलने का कोशिश करो, जिससे कि तुम अच्छे दिखोगे और अच्छे लगोगे सबकी नज़र में। अपनी पसंद को सबसे अलग रखो, जरूरी नहीं है, मान लो कि तुम्हें कोई पूछे तुम क्या बनना चाहते हो, तो तुम्हारी अंदरूनी पावर, मतलब तुम्हारा अंतर आत्मा कह रहा है कि मुझे बनना है क्रिकेटर, ठीक है। तो तुम वहाँ पे क्रिकेटर मत बोलो, कुछ अलग बोलो जिससे कि तुम्हें लोग याद रखेंगे। मान लो तुम बोल दिए कि मैं बनूंगा सेफ, तो थोड़ी ना तुम सेफ बन जाओगे, तुम्हें बस बोलना है, क्योंकि तुम हाईलाइट हो जाओगे। और सबकी रिस्पेक्ट करो, आराम से व्यवहार करो, और फ्रैंक और फ्रेंडली रहने की कोशिश करो। कहीं भी जाओ फ्रेंडली रहा करो, मतलब घुल मिल जाओ सबके साथ, तुम्हें लोग याद रखें। ज्यादा कोई भी चीज का दिखावा मत करो कि मेरे पास ये है मेरे पास वो है, जैसे हो वैसे ही रहो और कैजुअल रहो, मतलब लेजी लेजी मत रहो, एनर्जेटिक रहने का कोशिश करो, अच्छे लगो। और स्टाइलिश रहो, भिखारियों की तरह मत रहो, स्टाइलिश रहो, अपना बॉडी लैंग्वेज सुधारो और हेयर स्टाइल पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि खराब चेहरा पे अच्छा हेयर स्टाइल ही आदमी को हैंडसम बना देता है। तो हेयर स्टाइल पे ज्यादा फोकस करो, और ऑलवेज फ्रेश रहने का कोशिश करो, तड़ो ताज़ा, यानी कि मतलब ऐसा रिएक्ट मत करो कि तुम अभी सो के आए हो, एनर्जेटिक रहो और फ्रेश रहो। और अगर तुम ये जितना मैंने टिप्स बताए, लगभग 10 से 12, अगर ये तुम सब अपने अंदर रख लिए, तो लोग तुम्हें नोटिस करेंगे, तुम लोगों के नज़र में बस जाओ, मतलब कभी भी अगर तुम्हें कोई लोग देखे, दूसरी बार देखने से ये ना कहे कि मैंने इसे कहीं देखा है, बस ये कहे कि ये तो वही लड़का है जिसे मैंने यहाँ देखा था। 10 के बीच में तुम अलग दिखोगे अगर ये सब रूल फॉलो किए तो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करो, और नहीं भी लगा होगा तब पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने वीडियो देखा है।